लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में बनाई गई विशालकाय प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखकर दुनिया आश्चर्यचकित हो गई है, जिसकी धमक पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। जहां विश्व की बाकी मूर्तियों को बनने में सालों लग गए, वहीं 182 मीटर ऊंची भारत के गौरव की प्रतीक ये प्रतिमा महज 33 महीने में बनकर तैयार हो गई, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। हालांकि इस मूर्ति को बनाना इतना आसान नहीं था, इसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि जिस मूर्तिकार ने इसे बनाया है उसे इस प्रतिमा के चेहरे को बनाने के लिए कितना रिसर्च करना पड़ा, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो बताते हैं इंजीनियरिंग की इस मास्टरपीस मूर्ति के सिर्फ चेहरे को बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ा। दरअसल ये मूर्ति विश्व विख्यात शिल्पकार राम वंजी सुतार ने बनाई है, जो कि पहले भी देश के अन्य महापुरुषों की कई मूर्तियां बना चुके हैं। राम सुतार को इसलिए भी चुना गया क्योंकि वही ऐसे शख्स थे जो कि इस विशाल मूर्ति को प्रभावशाली बना सकते थे। वही सबसे बड़ी बात ये थी कि इस प्रतिमा का चेहरा कैसा होगा। हालांकि राम सुतार इससे पहले भी पटेल की मूर्तियां बना चुके हैं, लेकिन विशाल प्रतिमा अलग तरह की थी। वो चाहते थे कि इस प्रतिमा के चेहरे में उनके फौलादी इरादों की चमक दिख सके, इसलिए उन्होंने सरदार पटेल की भव्य मूर्ति के चेहरे के लिए एक, दो या तीन नहीं बल्कि 2000 तस्वीरों पर गहन रिसर्च की, जिसके बाद देश देश में अपनी प्रतिभा का डंका बजाने वाले राम सुतार ने एक चेहरे को फाइनल किया। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट ने इस पर अपनी सहमति दे दी, जिसके बाद इस मूर्ति का काम शुरू हुआ। आपको बता दें कि 93 साल के महान मूर्तिकार राम सुतार के जहन में मूर्ति प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। वो देश की कई हस्तियों और नेताओं की मूर्तियां बना चुके हैं। राम सुतार को पद्म भूषण और पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है। वह साल 2016 में उन्हें टैगोर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। फिलहाल राम सुतार महाराष्ट्र में बनने वाली वीर शिवाजी की सबसे ऊंची मूर्ति को बनाने में व्यस्त हैं।